हेलो क्लास। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, साउथ एशिया एंड दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। पार्ट नंबर 1 में हम बेटा पढ़ चुके हैं पाकिस्तान के बारे में, पार्ट नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा है बांग्लादेश के बारे में, और पार्ट नंबर 3 हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आज नेपाल के बारे में। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का हमारा नाम है मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, यानी कि नेपाल में किस तरीके से पहले थी मोनार्की, किस तरीके से वहाँ पे किंग का रूल था, और किस तरीके से वहाँ पे जो है आपके वो डेमोक्रेसी को जो आपको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, ये सब आपको यहाँ पे स्टडी करना है। सो देखो इसकी जो टाइमलाइन है बेटा, नेपाल वाले केस में आपको ये 3 साल यानी कि 1990, 2002 और 2006, ये डेट्स लर्न करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपका क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछते हैं। तो अब हम जरा इसको एक बार स्टडी करते हैं कि नेपाल की कहानी एक्चुअल में थी क्या। तो कहानी ये होती है कि नेपाल जो है वो एक हिंदू किंगडम था, ठीक है, पहले वो एक हिंदू किंगडम था, वहाँ पे हिंदुओं का वहाँ पे रूल था, और आगे चल के, ठीक है ना, आगे चल के वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, यानी कि वहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग संवैधानिक रूप से वहाँ पे किंग था, ठीक है ना, वहाँ पे एक किंग था, वहाँ पे आपका किंग का रूल था, ठीक है। अब क्या हुआ आगे? वो वहाँ पे ये कि आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही थी वैसे वैसे नेपाल की जनता प्लस नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करना चाह रही थी। ये लोग वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ओपननेस चाह रहे थे कि भाई वहाँ पे नेपाल में एक्स्ट्रा डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। ऐसे करते 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 हुआ क्या हुआ ये कि ये कहानी शुरू होती है 1990 से, कि 1990 में वहाँ की जनता, कौन, नेपाल की जनता वहाँ के किंग से डिमांड करती है। क्या डिमांड करती है? द किंग, ठीक है, वो डिमांड करती है कि भाई नेपाल में एक पार्लियामेंट हो और नेपाल में डेमोक्रेसी को भी होना चाहिए, नेपाल में पार्लियामेंट हो और नेपाल में डेमोक्रेसी को भी होना चाहिए, ऐसा वो डिमांड करती है। और उनकी डिमांड को जो किंग है वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, यानी कि द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान के लिए, एक नए पार्लियामेंट की डिमांड को वो लोग एक्सेप्ट, किंग जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक प्रो डेमोक्रेसी मोमेंट हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द किंग, एंड किंग को मजबूरन डिमांड जो है वो एक्सेप्ट आपकी करनी पड़ी। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता ये है कि सिर्फ यहीं तक नहीं था सीमित आपका नेपाल का मोमेंट आपका, नेपाल में क्या हुआ आगे चल के, अब जैसे जैसे हुआ ये कि नेपाल को डेमोक्रेसी मिली, लेकिन ये डेमोक्रेसी काफ़ी लिमिटेड थी, यानी कि फुल डेमोक्रेसी उनको नहीं मिल रही थी। तो फुल डेमोक्रेसी को पाने के लिए माओवादी, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो हिंसा में बिलीव करते हैं, दे आर द बिलीवर्स ऑफ वायलेंस, इन्होंने अपने वायलेंट तरीकों से लिमिटेड डेमोक्रेसी को हटा के बहुत ज़्यादा राइट्स की डिमांड करी, ठीक है। तो पहली बात होता यह है कि माओविस्ट होते कौन है, तो दे आर दोज पीपल हु बिलीव्ड इन आर्म इंसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्क एंड रूलिंग एलाइट। ये लोग वो होते हैं जो रूलर है वहाँ का, या फिर जो किंग है, या जो प्राइम मिनिस्टर है, या जो भी वहाँ का मंत्रालय है, जो मंत्री उंत्री है, उसके खिलाफ ये जो लोग हैं वो अपनी हथियारों का इस्तेमाल करके वहाँ पे फुल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। और इसी कारण से अक्सर माओइस्ट और किंग के फोर्सेज में बहुत बार वायलेंट फाइट भी होती थी। कभी कभार ऐसा भी हुआ था कि भाई आपके माओइस्ट, डेमोक्रेट्स और मोनार्की, मतलब कि वहाँ पे एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट था, मतलब कि ये आपस में झगड़ा करते थे, ठीक है। अब भाई ये कहानी चली आपकी, बहुत साल तक आपकी कहानी चली, और हुआ क्या, एक स्टोरी है कि ये जो किंग थे नेपाल के, दो भाई थे, और एक भाई ने दूसरे भाई की पूरी फैमिली को जहर दे के मार दिया था। तो जो किंग नया आता है, उस किंग ने क्या किया, उस किंग ने आके पार्लियामेंट को एबॉलिश कर दिया और गवर्नमेंट को भी उसने डिसमिस कर दिया, यानी कि 2002 में जो नया किंग आता है उस किंग ने पार्लियामेंट को क्या किया, डिसमिस कर दिया, उसको एबॉलिश कर दिया कि भाई कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो मैं ही रूलर हूँ, किसका, मैं आपका नेपाल का आपको रूलर हूँ। इस हिसाब से जो थोड़ी बहुत बची कुची डेमोक्रेसी थी कहाँ पे, नेपाल में, वो भी आपकी अब ख़त्म, वो भी आपकी अब दी एंड हो गई, ख़त्म हो चुकी थी आपकी ये। अब नेक्स्ट आगे क्या हुआ, आगे हुआ ये कि 4 साल तक बिना डेमोक्रेसी के, बिना राइट्स के वहाँ के लोग रहे, लेकिन अप्रैल 2006 में लोगों ने वहाँ पे हंगामा कर दिया,
हंगामा मीन्स की देयर वर मासिव कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग, किंग के खिलाफ, राजा के खिलाफ काफ़ी दंगे भड़के, लोगों ने पूरा घेराव कर लिया उनके पार्लियामेंट का, और मजबूरी में, और कहते हैं ना फोर्सफुली, किंग को वहाँ का जो था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको उन्होंने रिप्रेजेंट करना पड़ा। इस पूरे मोमेंट में डेमोक्रेसी को दोबारा से रिस्टोर करने के सब जो सबसे आगे थे वो कौन थे, वो थी आपकी SPA यानी कि सन पार्टी अलायंस, माओइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, इन सब लोगों ने मिलकर ही नेपाल में दोबारा से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करवाया था। साथ ही साथ में दो डेट्स और आप पढ़ लो बच्चों कि 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था। कैसे? वो मोनार्की को उसने पूरी तरीके से उसने एबोलिश कर दिया, मतलब उसने किंग का रूल उसने हटाई दिया था। साथ ही साथ 2015 में नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट कर लिया था। तो ये कहानी थी नेपाल की, जो एक मोनार्की रूल से हट के अब एक डेमोक्रेटिक रूल करने की ओर बढ़ रही थी, एज ए कंट्री नेपाल आपकी। सो गाइज, नेपाल हमारा हो चुका है, आई होप आपको नेपाल समझ में आ गया। टाइमिंग बहुत ज़रूरी यार, ये 1990, 2002, 2006 माओइस्ट क्या होते हैं, सवाल नेपाल में पक्का बनता बनता है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।